आप इसका मकसद क्या प्लीज बताएं। देखिए आप नहीं बताएंगे तो फायदा क्या फिर आपके अंदर? आपका मीडिया पास नहीं है, इंटरव्यू नहीं ले सकते, आपका पास नहीं है। सर मैंने आपसे कोई बम का फार्मूला नहीं पूछूंगा, मैं यही पूछूंगा आप यहाँ देखे भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा किस चीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं? हम बलूचिस्तान की औरतों को सपोर्ट करने के लिए, मैं आपका मेजबान यहाँ पे कवरेज करने के लिए आया हूँ। मैं जब भी उनसे कोई सवाल पूछता हूँ इनकी अपनी खवातीन बीच में आ जाती हैं, वो कहती हैं आपके पास मीडिया कार्ड है या मीडिया कार्ड नहीं है। देखिए हम लोग मीडिया से आए हैं तो इनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, वैसे तो हमारा कोई हक नहीं इनसे बेफजूल पूछने का। हम वो दुनिया के आखिरी कोने से यहाँ पे आए हैं और इनकी अपनी खवातीन बीच में शामिल है जिन्होंने इन्होंने उन लोगों को मीडिया कवरेज दी है जो इनके मतलब के सवाल पूछते हैं। ये दूसरे बंदे को मैं इनसे हक के सवाल पूछ रहा हूँ कि इनके बैनर अपने हाथ में क्यों पकड़े हुए हैं, तो ये मुझे रोक रही है यहाँ पे कि आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते। ये अब आप पाकिस्तानी अवाम आपका फैसला है कि मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने इनसे हक की बात पूछनी थी, लेकिन यहाँ पे जब मैं सवाल पूछता हूँ इनकी अपनी तंजीम की लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं, वो कहती हैं आपके पास मीडिया कार्ड है या नहीं है। मीडिया कार्ड ये सिर्फ उस बंदे को दे रहे हैं जो सिर्फ इनकी बात करेगा, जो हक की बात करेगा ये उसको मीडिया कार्ड देते ही नहीं है। तो आप प्लीज़ देखें, मैं जितनी भी कोशिश करूंगा हक की बात करने की, मैं अपना आज प्रोग्राम पूरा कवर करूंगा और इंशाल्लाह ताला आपको मैं हकायक सच्चे जो है जो इस्लाम हमारा कहता है मैं वही बात इनसे पूछूंगा, क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी बेटी है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा अपनी बहन को अपनी बेटी को इस मुआशरे में पालूं मैं, क्योंकि मैंने रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जाना है और मैं वहाँ जाके रहूँगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा जो मैं सवाल पूछता मैं पूछूँगा। मैं आपका इसका मकसद क्या प्लीज़ बताएं? देखिए आप नहीं बताएंगे तो फ़ायदा क्या फिर आपका? यार हकली है, बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है, कमाल है। सर आपने ये स्लोगन हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका मकसद क्या है? जल्द से क्यों आपका मीडिया पास नहीं है जी? अच्छा जिनके पास मीडिया पास नहीं उनसे आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरव्यू नहीं देना जी, सही ले लें सर जी। बताया तो सही आपने इसका पर्पस क्या है? देखिए आप ऊपर बताएंगे तो क्या फायदा देना ही नहीं चाह रहा जी सर, बता दें इसका पर्पस क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आप इस औरत मार्च में आए हुए हैं, आपका पास नहीं, आप इंटरव्यू नहीं ले सकते, आपका पास नहीं है। सर मैंने आपसे कोई बम का फार्मूला नहीं पूछूंगा, मैं यही पूछूंगा आप यहाँ देखे भाई, मैंने आपसे खड़ा सवाल पूछा इस्लाम की है, इस्लाम फर्ज है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपके नहीं देना। जी बताएं। वालेकुम अस्सलाम जी सर, ये तो औरत मार्च ही ले लिया, आप यहाँ पे आए हैं किस मकसद के लिए आए? नहीं हाँ जी, क्या ये जवाब मिल गया जनाब, आप जाए यहाँ से। आपके लिए हम लोग आए हैं, जी सर जी आपके साथ रहे यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप माशाल्लाह इस औरत रैली में आए हुए हैं, आप किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं? हम बलूचिस्तान की औरतों को सपोर्ट करने के लिए। आप ही मैंने गलत सवाल पूछा ही कोई नहीं, मैंने कौन सा बम का फार्मूला पूछ लिया, यही पूछा उनसे आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हाँ जी वो कह रहे हैं जवाब ना, तो बचपन में कहती जवाब नहीं देना। अच्छा सिस्टर मेरी बहन प्लीज़ बताएंगे आप यहाँ पे जलसे में आई हुई, आपका मकसद क्या है यहाँ पे आने का? इक्वल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो मेरी अच्छा तो मेरी सिस्टर आपको ये राइट्स इससे पहले कभी नहीं मिले जिंदगी में, यहाँ पे आप आएंगी आपको सारे राइट्स मिलेंगे जी। मैम किधर है? मैं दिखा देता हूँ, ये वाला नहीं जो हमने दिया मीडिया के सामने भी। अच्छा मेरी बहन ये मैडम आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है, आपने बस हक की बात फिर करें ना आप, जो आप चलो भैया मैं क्वेश्चन तो ये बताया तो मेरी बहन यही आप हाँ जी बताया जरा आप एक मिनट जरा।
Thank you.
कैरेक्टर सारे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं।